मॉर्निंग गाइस, मैथमेटिक्स लर्निंग स्टेशन की तरफ से आप तमाम लोगों का स्वागत है। इससे पहले एक मैं एक वीडियो अपलोड किया था एवरेज ऑफ नंबर से रिलेटेड, इस वीडियो को आपने देखा होगा, पसंद किया होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी हमारे वीडियो को देखें तो पूरा वीडियो देखिए। अगर 4-10 सेकंड वीडियो देख के अगर निकल जाते हैं तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको कहीं ठहरना पड़ेगा और ठहरने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। अगर समय नहीं देंगे तो ठहरेंगे नहीं, तो फिर जीवन में ठहराव नहीं होगा। कुछ सीखने के लिए कुछ खोना पड़ता है शायद, ऐसा नहीं कि चलते चलते रोड पे कहीं पे सीख लिए। इसलिए थोड़ा ठहरिए, वीडियो के देखिए, 10 से 15 मिनट या 20 मिनट हार्डली वीडियो रहता है, इसको देख के कुछ आप सीखें। हमारा मेन पर्पस है कि आप तक मैं कुछ पहुँचाऊँ, कुछ सिखाऊँ। वैसे आप स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में, ट्यूशन में तो सीखते ही हैं, हमारा भी कम से कम देख ले कि शायद इन 4-5 जगहों में आपका अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो यहाँ मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूँ। चलो आज शुरू करते हैं एवरेज ऑफ नंबर से। कल मैंने आपको बताया था कुछ एवरेज ऑफ नंबर से रिलेटेड सवाल और कुछ फार्मूला भी आपको बताया था, याद होगा आपको फार्मूला का, कि अगर ओड नंबर का आपको निकालना है, ओड नंबर का अगर औसत निकालना है तो ये फार्मूला बनाया था, ये नंबर के बराबर होगा। अगर इवन नंबर का अगर आपको औसत निकालना है तो ये बताया था आपको एन प्लस वन। अगर नेचुरल नंबर का औसत बताना है आपको नेचुरल नंबर का, तो इसके लिए मैंने बताया था एन प्लस वन बाई टू। ये तीन फार्मूला कल मैंने आपको दिया था, इसी तीन फार्मूला पे कल मैं छोटा नंबर बताया था, आज मैं बड़ा नंबर आपको बताता हूँ। अभी सीटेट का एग्जामिनेशन 5 जुलाई को होने वाला है, जो लोग सीटेट के एग्जामिनिंग कैंडिडेट हैं उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि इसको देखें, ऑड नंबर का फार्मूला यही तीन है। ठीक, आगे देखें। अगर सवाल पूछता है कि सवाल नंबर पहला है कि एक से लेके अस्सी तक सभी संख्याओं का औसत निकालिए। ये मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, 1 से लेके 80 तक सभी संख्याओं का औसत निकालिए। इसका मतलब हुआ कि 1 से लेके 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ये अप टू प्लस 80 अगर जोड़ने चलेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा, और हमको दावा है कि ये निकल भी नहीं पाएगा। इसलिए इसका कल फार्मूला बताए थे कि अगर नेचुरल नंबर अगर हो उनका औसत अगर मानता है तो ये n प्लस वन बाई टू होता है। ये n यही 80 हुआ, यानी 80 प्लस 1/2 यानी कि 81/2। अगर ये कटता है तो काट दीजिए, नहीं तो ये 40.5 यही इसका औसत हो जाएगा 1 से 80 तक का। ठीक, 1 से 80 तक आपको जोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर जोड़ने चलेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा, फिर भी नहीं जुटेगा। इसलिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, नेचुरल संख्या किसी भी लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत निकलना है वो एन प्लस वन बाई टू, यानी एन जो होगा वो लास्ट का नंबर होगा। 1 से लेके जो लास्ट नंबर ठहरेगा वही यहाँ 80 हुआ, 80 में 1 जोड़ दिया डिवाइडेड बाई 2, 80 में 1 जोड़ेंगे 81 बाई 2 डिवाइड कर दिया। ठीक, इसी तरीके से दूसरा एक सवाल और देख लें। ये 80 की जगह पे अगर पूछता है कि 1 से लेके 99 तक सभी संख्याओं का औसत निकालें, कुछ करें कुछ नहीं करें आप, एवरेज बराबर 99 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 100 डिवाइडेड बाई 2 ये कट के हो जाएगा आपको 50, यही इसका आंसर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये 50 डाला रहेगा, उसको आप चुन लेंगे। ठीक, अगर इसी में पूछता है कि 100 से लेके 105 तक सभी संख्याओं का औसत निकालिए, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो उसके लिए एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एवरेज निकालेंगे इसी नंबर को पकड़िए 105, इसमें प्लस 1 जोड़ दीजिए डिवाइडेड बाई 2, मार्कर बदलने दीजिए, ये मार्कर फेल हो गया, इसको ऐसे 105 और प्लस इसमें 1 डिवाइडेड बाई 2, 105 या 1 ये हुआ 2, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, इनका औसत जो होगा वो यही आंसर होगा 53। ठीक है, इसी तरीके से किसी में भी जा सकते हैं आप, ये 105 किया, ये 999 तक जाएं आप,
अगर एक से लेकर 999 के सभी संख्याओं का औसत मांगता है नेचुरल नंबर का, तो हमेशा फार्मूला याद रखें कि एवरेज जो होता है नेचुरल नंबर का वो n प्लस 1 बाई 2 होता है, यानी यही आपको 99 n हुआ, 99 प्लस 1 बाई 2, 999 में एक जोड़ेंगे ये 1000 होगा, 1000 में 2 से डिवाइड करेंगे ये 500 होगा, यही 500 एवरेज हुआ। इससे भी आसान कोई तरीका है तो बताइए धरती पे। ठीक, इसको 999 को आप जो है सो 1001 भी कर सकते हैं, आप सभी से कोई भी संख्या हो, सीधा करना है कि एवरेज बराबर होगा 1001 और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एक होगा, 1000 बाई 2 इसको भाग दे दीजिए, ये से हो जाएगा 50, एक मरतबे 501, यही इसका आंसर हुआ। ठीक है, ठीक, अब आइए, ये हुआ आपको नेचुरल नंबर के बारे में। अब आप आइए एक से लेके 80 तक, मान लिया कि सम संख्या पूछता है, ये सम संख्या का औसत, औसत बराबर वाट, एक से लेके 80 तक है। सम संख्या का आपको हम फॉर्मूला बता चुके हैं, ये नेचुरल इवन नंबर का फॉर्मूला बता चुके हैं कि उसका एवरेज जो निकालेंगे आप, उसका जो एवरेज निकालेंगे ये n प्लस 1 के बराबर होगा, लास्ट में जो नंबर करता है ना उसमें एक जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 81, यही 81 आपका आंसर हो जाएगा। यानी एक से लेके 80 तक के सभी सम संख्याओं का औसत अगर निकालना है तो n प्लस 1 होगा, यानी 80 प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपको 81। ठीक है, इससे आइए एक से लेके अगर 100 तक का पूछता है सम संख्याओं का औसत, कुछ नहीं करना है, एवरेज आपको मालूम है फार्मूला, ये बराबर होता है n प्लस 1, यही n आपको 100 है, 100 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा, यही इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक, इसे 100 सम संख्या है, इसके बीच 1000 के बीच चलिए, एक से लेके 1000 तक सभी सम संख्याओं का औसत निकालें, कुछ नहीं करना है आपको, एवरेज निकालने के लिए 1000 में एक जोड़ दीजिएगा, 1000 एक, यही इसका औसत निकल जाएगा। ठीक, सम संख्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, विषम संख्या आ गया। विषम संख्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 3, विषम संख्या आ गए, विषम का मतलब एक से लेके अगर 81 तक पूछता है, एक से लेके 81 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताइए, का औसत बताइए, का औसत बताइए, एक से लेके 81 तक, कुछ नहीं करना है इसमें, इसमें सिर्फ एवरेज लिख रहा है, एवरेज, एवरेज जो नंबर दिया रहे वही नंबर आपको उसका एवरेज होगा, ये देख लीजिए। इसलिए इन ओड का जो नंबर बताया था वो बराबर बताया था एन के, ओड का जो नंबर है औसत वो बराबर है एन के, और एन यही है लास्ट का नंबर। अगर सीधा एकदम बिल्कुल कॉपी कलम उठाने का नहीं है, अगर इससे पूछता है 199 तक का सभी विषम संख्याओं का औसत निकालें तो उसका एवरेज हो जाएगा ना, ये आपको 99 हो जाएगा, यही नंबर हो जाएगा। अगर ये पूछता है कि 999 एक से लेके 999, तो एक से लेके 999 तक आपको नहीं पता करना है कि विषम संख्या कौन है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, इस तरह का नहीं करना है, सीधा जो संख्या जहाँ पर ठहरा है वही आपको n बराबर, यही आपको औसत हो जाएगा, यही जवाब हो जाएगा। ठीक, तो सम संख्या बता दिया, विषम संख्या बता दिया, नेचुरल नंबर बता दिया, प्राकृतिक संख्या बता दिया, अब इसमें कुछ और आवे, कुछ और सवाल सब है। सर्दी भी बहुत हो गया भाई, सर्दी भी बहुत हो गया है, ठीक है, अब एक और नया टेक्निक का सवाल सोचे। अब ये सवाल करता है स्क्वायर के बारे में, हर तरह का सवाल आपको बताएंगे, ये स्क्वायर के बारे में कहता है, ये कहता है कि एक से लेके 25 तक, एक से लेके 25 तक सभी संख्याओं के वर्गों का औसत निकालिए, एक से 25 तक, यानी 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते हुए 25 तक जाएं आप। इनके वर्गों का औसत निकालिए, वर्गों का औसत, वो तो सिंपल औसत था, यहाँ वर्गों का औसत निकालना है। 1 से लेकर 25 तक के बीच में जितनी संख्या आती है सबके वर्गों का औसत निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला आपको हम बताते हैं, एक बड़ा टिपिकल फॉर्मूला ये, किसी भी संख्या के, याद रखिएगा, किसी भी प्राकृतिक संख्या मान लिया कि n है, उसके वर्गों का अगर औसत निकालना है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखिए, n+1 कॉपी पर लिख लीजिए ((2n+1)) / 6, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, ठीक है। जहाँ n है वो लास्ट का नंबर है, ठीक है, n+1 ((2n+1)) / 6, ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताता है। यहाँ है 1 से 25, कहाँ तक जाना है तो 25 तक जाना है, यही 25 आपको n के बराबर होगा, ठीक। इसमें इनपुट कर दीजिए आप 25+1 ((2n) यानी 2×25 + 1 / 6। 25 में 1 जोड़िएगा तो ये 26, और 25×50, 50 में 1 जोड़िएगा तो ये होगा 51 / 6। देखिए कि ये कोई करता है किसी से क्या। ये आपको 2 से कट जाएगा, 2 × 3 = 6, 2×1 = 2, 2×8 = 16, ये कट जाएगा 17×3 = 51, और 17 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 221 के बराबर आएगा शायद, 8×7 = 56, ऐसे काट लीजिएगा ये 221 आएगा। इस फॉर्मूला को अगर ड्राइव करते हैं तो ये जवाब 221 आएगा। 26×51 अब / 6, इसको काट दीजिएगा तो 8×2 = 16, ये 8×6 = 48, ये कट जाएगा, ये कैसे देखिए आप, ये हो गया 26 और ये हो गया 25×50 = 51 / 6, ये बराबर 6 होगा, कोई से कोई कट जाएगा ही। ये आपको अगर 3 से काटते हैं तो 3 से तो कटेगा, 2 से कटेगा, 2×3 = 6, 2×1 = 2, 2×8 = 16, 17×3 = 51, ये हो जाएगा 221 के बराबर। इसको जैसे भी काटिएगा, ठीक। इसका दूसरा सवाल देखिए आप, फॉर्मूला यही याद रखिए, नेचुरल नंबर का, 1 से लेकर नेचुरल नंबर पूछता है, उनके वर्गों का औसत बोलता है। 1 से 44 तक, ऐसे देखिए आप, 1 से 44 तक सभी संख्याओं के वर्गों का औसत निकालिए, यही फॉर्मूला है। सभी संख्याओं के वर्गों का, यानी 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7 करते करते ये 44 तक जाएं, अगर इसको जोड़ के ये इसके वर्ग करके अस्थाप औसत निकालते हैं तो 12 बज जाएगा, सुबह से शाम हो जाएगी, आपको याद रखिएगा। इसलिए इसको इसी फॉर्मूला पे चढ़ाना है, ये बराबर होगा इसका एवरेज, ये भी वर्गों का एवरेज होगा, एवरेज ऑफ स्क्वायर (n+1) एन आ गया आपको 44, 1 को भूल जाइए, तो 44 अब +1 × 2n, 2×44 अब +1 / 6, ये 44 में 1 जोड़ेंगे तो 45, और ये कितना आ जाएगा, 44×88, 88 में 1 जोड़ेंगे ये होगा 89 / 6, ठीक है। इसको काट कूट करेंगे तो 667.5 के बराबर आएगा, 667 पॉइंट, यही जो हुआ 1 से 44 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत, ठीक है। आगे बढ़िए, स्क्वायर बता रहे हैं, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला अलग नहीं है। अभी कहता है कि 1 से 17 तक कुछ नहीं करना है, एवरेज ऑफ स्क्वायर कर दीजिए आप, जो सवाल पूछता है वही लिखिए, 1 से 17 तक, यानी 17+1 × 2 × 17 + 1 / 6, ये 17 और में 1 जोड़ेंगे ये होगा 18, 17×2 = 34, 1 होगा 35, 35/6, 6×3 = 18, इनको गुना कीजिए, 5×3 = 15, 1
तिंतिया 9-1-10। ये आपको इसका एवरेज निकल आएगा, ठीक है। 5 × 15 = 5 × 3 = 9 = 10, ठीक है। इसका एवरेज आ गया स्क्वायर का। अब आगे आगे कुछ नया फॉर्मूला और देखिए। आप वीडियो को देखना नहीं भूले। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। एक सवाल और देखिए आप। एक सवाल और आप देखिए। सर्दियों बहुत हो गया भाई। ये कुछ पिकुलियर सवाल सब आपको दिखाते हैं। एक सवाल और देखिए। जैसे कहता है कि 1, 2, 3, 4, 5 ये नेचुरल नंबर है। ये मान लीजिए 40 तक गया। पहले सवाल समझ लीजिए। कहता है कि लगातार सम या विषम संख्याओं का औसत अगर एक से लेके, इसको कैसे समझावे आपको कुछ समझेंगे आप, जैसे इसको एग्जाम्पल पे समझें आप, एग्जाम्पल पे इसको समझें आप कि कैसे समझेंगे आप। जैसे देखिए यहाँ 12, 14, 16, 18, 20 और 22 इनका क्या करना है, का औसत बताए, का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा, इनका एवरेज क्या होगा, एवरेज बराबर वाट। ऐसे समझे आप कि 12, 14, 16, 18, 20 और 22 अगर ऐसा सवाल में दे देता है तो इनका एवरेज क्या होगा। इनका एवरेज निकालने का फॉर्मूला है इस तरह का। अगर नंबर दिया रहे इस तरह का फॉर्मूला का एवरेज निकालना है, ये बराबर होता है m + m/2, यानी a जो है पहली संख्या और m जो है आखिरी की संख्या। ये बराबर हुआ पहली संख्या ऐसे लिखिए और m जो है वो लास्ट की संख्या यानी आखिरी संख्या, ये लास्ट की संख्या हुआ, ठीक है। अब जैसे 12, 14, 16, 18, 20 और 22 का एवरेज कहता है, ये नंबर उसने दे दिया आपको। ऐसा नहीं कहा उसने कि 1 से लेकर 22 तक कीजिए, यहाँ 12 से कहा है उसने, 12 से 22 तक का एवरेज बताइए, चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों के लिए फॉर्मूला यही आता है a + m/2। ए जिसमें पहली संख्या है और m जो है लास्ट की संख्या है। यहाँ लिख दिया उसी फॉर्मूला पे, इसको आप बैठा लिया, आप सेट कीजिए a + m/2। ये इसका फॉर्मूला हुआ। ए पहली संख्या हुआ 12 और प्लस m हुआ लास्ट की संख्या 22। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 × 2 = 4, 1 = 34 और / 2 ये हो जाएगा 17, यानी बराबर हो जाएगा 17। यही आपको 12 से लेके 22 तक के सम संख्या का, या विषम संख्या दिया हुआ है, अगर विषम संख्या भी होता तो उनका फॉर्मूला यही होता, 17 होगा आपको, ठीक है। दूसरा सवाल एक और देख लीजिए इसी फॉर्मूला पे। इसका पार्ट में 2 डालूँगा आज। अब ये कहता है, दूसरा सवाल कहता है कि 44, सब संख्या ले रहा है, 48, 50, 52, 54, 56 और 58 का औसत निकालिए, का एवरेज निकालिए, एवरेज बराबर 1। ये नंबर उसने दे रखा है, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एवरेज इसका निकालने के लिए। ये भी पहले लिखेंगे 44, बाद में लास्ट नंबर लिखेंगे 58, इसको 58 / 2, इसको जोड़ दीजिए 8 × 12 = 2, 1 × 9 = 10, 102 / 2 हुआ, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, ये हुआ 51, इसका एवरेज होगा। मार्कर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। चलिए एवरेज से रिलेटेड सारा सवाल आपको बता दिया, कुछ बच गया है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ये part 2 है, हो सकता है part 3 भी अपलोड करें। और आपसे कहना यही है कि हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और जब भी सब्सक्राइब करें आप तो बेल आइकन में जो ऑल बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। उससे क्या होगा कि हम भी जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करेंगे वो सारे का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट
दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप हमारे वीडियो को किसी भी समय देख सकते हैं। चलिए, आपने समय दिया, देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और मैक्सिमम लोगों तक, मैक्सिमम दोस्तों, फ्रेंड, कंपेनियन के पास इसको शेयर करें। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आपके नॉलेज में 1% का भी इंक्रीमेंट मैंने किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम पूरी मैथमेटिक्स लेके आ रहे हैं, 9th हो, 10th हो, कंपटीशन हो, सारे का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा, हर तरह का पैटर्न मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। और आपसे क्या कहें, नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, नमस्कार।